हेलो नमस्कार टू एवरीवन दिस इज नरूका एंड यू आर वाचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू कैन सी ऑन डिजिटल पैनल इट मींस वी आर गोइंग टू रीड मिस्टर रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर की चर्चा आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ तो बी रेडी Uh, बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में और इनके बारे में जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं तमाम बातों को इसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका जो बॉर्न है वो कहाँ हुआ है सॉरी uh, कब हुआ है यानी लाइफ स्पेन की बात हम लोग करने वाले हैं तो एटीन से लेकर एटीन यानी ये तो इनका लाइफ स्पेन हो गया ही वॉज बॉर्न इन एटीन 12 और डाइड इन 1889. अगर इनके जीवन काल के एरा की बात करें यानी कौन से ब्रिटिश एरा के अंदर इनका जन्म हुआ तो देखिए 1837 से लेके 1901 जो एरा है ये जो एरा कहलाता है विक्टोरियन एरा कौन सा कहलाता है विक्टोरियन एरा तो ये विक्टोरियन एरा से रिलेट करते हैं और लेटर रोमांटिक भी हो जाएंगे क्योंकि रोमांटिक पीरियड कब खत्म होता है 1837 में लेकिन इनके जो मोस्ट ऑफ वर्क्स है वो विक्टोरियन एरा के ही माने जाएंगे ठीक है तो आपको डेट्स भी पता होनी चाहिए एजेस वाइज आपको पता होना चाहिए एज की डेट्स अगर आपको पता है तो आप इस बॉर्न और डेथ के अकॉर्डिंग आसानी से अंदाजा लगा सकते हो ठीक है चलो अब हम इनके बारे में जितने भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है चलिएगा जस्ट ए मिनट यस देखिएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न इन कैम्बरवेल इंग्लैंड ही इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग सो यहां से क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन्हें क्या कहा जाता है द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रेमेटिक मोनोलॉग के एक्सपर्ट हैं ये मास्टर हैं इनके बहुत सारे uh, जो पॉइंट्स uh, हैं uh, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग पर आधारित है द स्पीकर इन इज पॉइंस आर ऑफ असियन एंड पेंटर्स हु फंक्शंस एज अ मेटाफॉर टू दोसाइटी अगर हम इनके पॉइंट्स uh, के स्पीकर की बात करें तो ज़्यादातर जो स्पीकर हैं या तो वो कोई कोई ना कोई म्यूजिशियन होगा या फिर कोई पेंटर होगा ठीक है और वो जनरली किस चीज़ को रेफर करते हैं सोसाइटी को यानी जो पर्टिकुलर स्पीकर है उसको मेटाफॉरिकली सोसाइटी uh, को रिप्रजेंट करने के लिए ये इसके अंदर रखते हैं ही मैरिड टू एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग जो अपने आप में एक बड़ी पोइटस हैं इन 1847 तो इन्होंने इनसे शादी कब कर ली 1847 में एलिजाबेथ बैरट से इन्होंने क्या की शादी की तो फिर एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग ब्राउनिंग तो नाम लग गया ना बाद में शादी के बाद सो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म होता है कैम्बर इंग्लैंड में और इनको मास्टर ऑफ डेमेटिक मोनोलॉग कहा जाता है और ज़्यादातर पॉइंस का जो स्पीकर है ये वो या तो म्यूजिशियन है या फिर कोई ना कोई पेंटर है जिसको मेटाफोरिकली सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ये यूज करते हैं उसका शादी हो जाती है एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग से एटीन के अंदर इन्होंने शादी कर ली ही स्टार्टेड राइटिंग poetry एट द एज ऑफ ट्वेल्व यानी इन्होंने अर्लियर एज में ही पॉइट्री लिखना जो है वो शुरू कर दिया था तो इनबॉर्न टैलेंट तो है ही है एट द एज ऑफ ट्वेल्व अगर कोई पोइट्री लिखने लग जाए तो ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बहुत ही मतलब कॉमन टैलेंट कॉमन टैलेंट हो रेयर टैलेंट है क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं करता है बारह साल की एज में तो कुछ समझ ही नहीं आता बच्चों के ये तो पोइट्री लिखने लग गए ब्राउनिंग इटली को माई यूनिवर्सिटी कहते हैं क्योंकि इटली में इन्होंने बहुत सारा समय बिताया है तो इटली को इन्होंने क्या कहा है वहां से बहुत कुछ सीखा है इन्होंने तो इटली को क्या कहते हैं ये माई यूनिवर्सिटी कहते हैं ही वॉज अवॉर्डेड एरी डिग्री बाय ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी 1882 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 1884 यानी इन दोनों यूनिवर्सिटीज से इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई ठीक है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से ब्राउनिंग was मोस्टली सेल्फ टॉट एंड utilized हिज फादर्स हिस्ट्री which contained मोर देन 600 books. बुक्स अब देखो ये गए थे स्कूल भी गए थे लेकिन व, ए, उस चीज से ले ए, उस चीज को लेकर ये सेटिस्फाइड थे नहीं तो फिर उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और घर पर ही ये पढ़े अब घर पर ये पढ़े सेल्फ टॉट है सेल्फ मैंटोर हैं अपने आप के सेल्फ ट्यूटर हैं अपने आप के अच्छा हैं इसलिए क्योंकि इनके जो फादर थे उनके पास सिक्स थाउजेंड बुक्स का कलेक्शन था यानी पूरी की पूरी लाइब्रेरी उनने, उन्होंने घर पे बना रखी थी तो उसी की सहायता से इन्होंने घर पे पढ़ाई की अदरवाइज घर पे पढ़ाई करना इट इज नॉट पॉसिबल ना लेकिन अब जब इतनी बड़ी लाइब्रेरी है तो फिर पॉसिबल हो जाता है ही वॉज बरीड एट वेस्ट मिनिस्टर है ना पॉइंट्स कॉर्नर कहते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको? पॉइट कॉर्नर पॉइट्स कॉर्नर इन 1833 ब्राउनिंग पब्लिश हिज फर्स्ट मेजर वर्क है ना जिसका नाम है पोलाइन और पोलाइन पी बी सैली ने आ, इनको काफी ज्यादा प्रभावित किया इस चीज को लिखने के लिए यानी पोलाइन को लिखने की जो इंस्पिरेशन है वो किसने दी इनको बी सैली ने पी बी सैली ने बहुत ज्यादा इन पर दबाव बनाया इनको इनक्रेज किया टू राइट ओलाइन जो इनका पहला वर्ग है पोइट्री की शुरुआत पी बी सैली की देन है उन्हीं के उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हीं के प्रभाव से उन्हीं के इन्फ्लुएंस से उन्हीं के सहयोग से इन्होंने पोइट्री को लिखना शुरू किया अच्छा क्वेश्चन यहां से अक्सर यूजीसी नेट के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और

स्टेटमेंट है द टेस्ट ऑफ डी अर्बर विलीज एक नाम का वर्क है जो किसका है टॉमस हार्डी का और पीपा पासिस तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है ये तो दोनों टर्म आप ध्यान रखना कि कॉन्ट्रास्ट में राइटर का नाम पूछ सकता है कॉन्ट्रास्ट में वर्क का नाम पूछ सकता है कि ये दोनों जो लाइन है किस किस पॉइंट की है या कौन कौन से वर्क की क्वेश्चन डिजाइन कैसे भी हो सकता है इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है बस यही है जब क्वेश्चन की डिजाइनिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो क्वेश्चन आते हुए भी कई बार हमसे गलत हो जाता है तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है ठीक है तो 1833 में ब्राउनिंग ने अपना पहला वर्क पॉलाइन पब्लिश किया पीबी सैली के कहने पे और इसके अलावा एक इनका वर्क है पीपा पासिस जिसकी ये लाइन बड़ी फेमस है कि गॉड इज इन इन हीजन ऑल इज राइट विदर्ल्ड और इसके ही जस्ट अपोजिट लिखा टॉमस हार्डी ने गॉड इज नॉट इन इज रॉन्ग विदर्ल्ड से है यानका वि, नेक्स्ट वर्क आता है द रिंग एंड द बुक दॉज रिटर्न इन एटीन सिक्स इट इज अर्स नोवेल ये क्या है वर्ष नोवेल है है ना पोइट्री की तरह लिखा गया नोवेल है बेस्ड ऑन सेंसेशनल रोमन मर्डर ट्रायल इन 1698 और ये बेस्ड किस पे है रोमन मर्डर ट्रायल इन 1698 ही इज फेमस फॉर इज फेमस लाइन इन द लास्ट राइड टुगेदर लास्ट साइड नहीं है दस लास्ट राइड है द लास्ट राइड टुगेदर जिसमें कि जिसमें ये क्या कहते हैं फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड सक्सीड्स काफी पॉपुलर लाइन है ये इनकी और ये किससे ली गई है लास्ट राइड टुगेदर जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है काफ़ी मतलब काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी एक दिन हम करेंगे लास्ट राइट टुगेदर को लेकर माई लास्ट डचेज को लेकर और भी काफ़ी सारे वर्क हैं इनके जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बेस्ट वर्क माने जाते हैं उनको लेकर हम स्पेशल सेशन बनाएंगे और उनका जो आ, टेक्स्ट है उसको भी स्टडी करेंगे है ना टेक्स्ट का एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे इसके अलावा लॉस्ट लीडर जो है इसकी एक लाइन है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट ये लॉस्ट लीडर भी काफी पॉपुलर है इसको भी देखेंगे नेक्स्ट जो पोयम है ब्राउनिंग आ, ब्राउनिंग की दैट इज पेरा सेल्सियसस 1835 में आई द रिंग एंड द बुक में टोटल 12 बुक्स हैं और टोटल

रॉट अबाउट ब्राउनिंग कहते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अनिंग लिखा है ना उसमें कोई भी फॉल्ट और कोई भी मिस्टेक नहीं है इतने ज्यादा करेक्ट है अबाउट सॉर डेलो वर्क जो है इनका मेनी राइटर्स कॉमेंटेड दैट दे कु नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्क कि इसकी जो पहली लाइन है ना उसको ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए इतनी ज्यादा है इसके अंदर हु विल हियर सोडेलोज स्टोरी टोल्ड ये लाइन है वो जिसको जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट लाइन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट एट द एज ऑफ सिक्सटीन

मतलब कंप्लीटली पॉइंट बन गए थे ये और पहला वर्क पब्लिश किया पॉलाइन पीबी सैली के कहने पर या पीबी सैली के uh, सहयोग से अंडर गाइडेंस में पोलाइन इज कंसीडर्ड टू बी डेडिकेटेड टू पीबी सैली एंड हिज वर्क्स तो पोलाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि ये वर्क किसको डेडिकेटेड है तो इट इज डेडिकेटेड टू पीबी सैली पॉलाइन इज फॉलोड बाय पेरासेल्ससस 1835 में ड्रामेटिक पोएम बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ स्विस फिजीशियन और ये किस पर बेस्ड है स्विस फिजीशियन है स्विट्जरलैंड का कोई फिजीशियन है उसके लाइफ पर बेस्ड है ये द प्ले एस्ट्राफर्ड वाज रिटन बाय ब्राउनिंग फॉर द एक्टर मैकरेडी इसकी चर्चा भी मैं आप लोगों से पहले कर चुका था नहीं रिपीट हो गया ये कोई बात नहीं सर्डेलो अ लॉन्ग पोएम इन हीरोइक कपलेट अपीयरड इन 1840 और इसका जो पब्लिकेशन है वो 1840 का है 41 टू 46 अपीयरड अ सीरीज ऑफ पोएम्स जिसको कहते हैं बेल्स एंड पोमे कंसिस्टिंग ऑफ प्लेज़ ड्रामेटिक मोनोलाग्स एंड लिरिक्स ये क्या है अ सीरीज ऑफ पोएम्स है तो सीरीज ऑफ पोएम्स का नाम क्या है बेल्स एंड पोमे ग्रेनेट्स 1846 1841 टू 46

वाइफ की डेथ हो गई इनकी वाइफ जो थी वो इटली की ही थी वही तो वहीं बस गए थे ये और उसके बाद वाइफ जब खत्म हो गई तो फिर ये वापस कहां आ गए लंडन आ गए ऑस्लैंडो वॉज पब्लिश्ड ऑन द डे ऑफ दे हिज डेथ, और ये वर्क ऑस्लैंडो जो है ये वर्क जिस दिन इनकी डेथ हुई ना उसी दिन इसका क्या हुआ था पब्लिकेशन हुआ था रेबी बेन इजरा इज एन एक्सपोजिशन ऑफ ब्राउनिंग फिलोसफी इन द माउथ ऑफ रेबी बेन एजरा इट इज अ डिफेंस ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ तो जो रेबी बेन एजरा जो है वो एक क्या है एक्सपोजिशन है ब्राउनिंग की फिलोसफी का इन द माउथ ऑफ किसके किसके द्वारा है रेबी बेन एजरा के द्वारा मतलब उसके मतलब एक करेक्टर के रूप में इट इज डिफेंस ऑफ ओल्ड एज अगेंस्ट यूथ और ओल्ड एज को ज्यादा बढ़िया बताते हुए उसको डिफेंस किया है यूथ के कंपेरिजन में ऑस्कर वाइल्ड कॉमेंटेड अबाउट ब्राउनिंग एज ही इज ध्यान देना बढ़िया अगर कोई, कोई पॉइंट हुआ तो दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग इफ शेक्सपियर कुड सिंग विद माइरियड माइरिड लिप्स ब्राउनिंग कुड स्टेमर थ्रू आ थाउजेंड माउस अब इसके लिए यहां तक कह दिया कि अगर शेक्सपियर है ना गा सकता है माइरेड लिप्स के साथ तो ब्राउनिंग कुड स्टेमर यानी स्टेमर का मतलब होता है हकलाना अटक अटक के बोला थ्री और थाउजेंड माउस मतलब हजारों मतलब इतनी ज्यादा कंपैरिजन कर दिया यानी शेक्सपियर के बाद अगर कोई शेक्सपियर के बराबर हुआ तो शेक्सपियर को छोड़ के रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑस्कर वाइल्ड Browning's Pied Piper, a popular work hai, of Hamelian, is about a rat catcher in which a rat catcher moves out all the rats of the town. After it, the mayor of the town reneged on his promise to pay the ransom and refused to pay him the full sum. As revenge, the rat catcher took all the children to a cave from where they never returned back except three. वन 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 एंड अब देखो, जो इनका वर्क है पाइड पाइपर इसमें क्या होता है कि एक शहर की कहानी है वहां क्या है कि बहुत सारे प्लेग फैल जाता है और प्लेग जो है चूहों से फैलता है तो जो रेड कैचर होता है उसको कोई एक पर्टिकुलर कितने को अमाउंट मिलेगा तो ये सारे रेट जो है वो टाउन के बाहर ले जाता है लेकिन जब मेयर इसको मना कर देता है तो ये सारे जो बच्चे हैं ना एज ए रिवेंज रेड कैचर टुक ऑल द चिल्ड्रन कहा लेके चला जाता है एक केव में और वहां से वो बच्चे तीन को छोड़कर एक भी बच्चा वापस नहीं आता उनमें से एक तो डैफ यानी बहरा है एक लंगड़ा है और एक कैसा है अंधा है बाकी सारे वहीं रह जाते हैं पाइड पाइपर में इसके बाद फ्रॉम लिपो लिपी एंड एंड्रिया डेल्सार्टो ठीक है दो अलग अलग वर्ग है फ्रा लिपो लिपी एंड एंड्रिया डेल्सो आर अबाउट आर्ट एंड पेंटिंग्स ये किसके बारे में है आर्ट और पेंटिंग के बारे में है द थीम ऑफ फ्रा लिपो लिपी इज चर्च इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट ये चर्च के प्रभाव को आ, आर्ट पर बताता है और फ्रा का मतलब होता है ब्रदर एंड लिपो लिपी का मतलब होता है प्रोटोकोनिस्ट अच्छा फ्रा मीन्स ब्रदर एंड लिपोलिपी कौन है प्रोटैगोनिस्ट? है इन एंड्रिया डेल सार्टो डेल सार्टो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय राफेल लियोनार्डो दा विंसी एंड फ्रा बार्टो लोमियो इनसे प्रभावित है ना ये जो नाम है ना तीन नाम हो गए इनसे प्रभावित है एंड्रिया डेल सार्टो एंड्रिया डेल सार्टो ओपनिंग लाइन्स ऑफ रेबी बेन एजरा ग्रो ओ ओल्ड अलोन मी द बेस्ट इज यट टू बी है ना मुझे अकेला व्रत दो दो बहुत कुछ अच्छा अभी आना बाकी है तो यहाँ तक इनके बारे में ये कम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी अभी मेजर वक्त की चर्चा में करूंगा एक बार है ना मैं चाहता हूँ कि हम एक बार रिपीट करें जिससे क्या है जो चीज़ हमने पढ़ी है उनको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए ठीक है अब हम थोड़ा सा स्पीडली इस चीज़ को देखेंगे देखो तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म इंग्लैंड में होता है कैंबरवेल नाम की जगह पे होता है इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है ठीक है इनकी पोएम्स के ज्यादातर स्पीकर्स जो हैं या तो म्यूजिशियन मिलेंगे या पेंटर्स मिलेंगे जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं मेटाफोरिकली इन्होंने एलिजाबेथ बैरेट से शादी करी 1846 में और राइटिंग लिखना इन्होंने 12 एज में ही शुरू कर दिया था ब्राउनिंग इटली uh, में जाके सेटल हो गए थे और बहुत सारे वर्क बहुत सारी चीज़ें वहां जाकर इन्होंने सीखी और वर्क लिखे तो इसलिए इटली को क्या कहते हैं ये फ्लोरेंस uh, नाम की जगह पे रहते थे ये माई uh, यूनिवर्सिटी कहते हैं इनको ऑक्सफोर्ड uh, यूनिवर्सिटी ने 1884 में और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने एटीन एटी एटीन एटी टू में एटीन एटी फोर में क्या किया है ऑनर्ड किया है ब्राउनिंग सेल्फ टॉट थे वो कॉलेज गए थे लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ही लेफ्ट द कॉलेज एंड इट मीन्स ही वाज अ सेल्फ ट्यूटर ना खुद ही पढ़े हैं वो और इनके फादर की खुद की एक लाइब्रेरी थी जिसमें करीब सिक्स थाउजेंड के अप्रोक्सीमेट बुक्स थी तो वहां रहकर इन्होंने पढ़ाई की है इनको वेस्ट मिनिस्टर एबे नाम की जगह पे दफनाया गया जिसे पॉइट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है 1833 में इन्होंने अपना पहला वर्क पोलाइन लिखा जो पी बी सैली से इंफ्लुएंस होकर लिखा है अच्छा इनको पॉइंट प्रोफेशन में जब आए तो पहला वर्क इन्होंने आ, पी बी सैली के ही कहने पे लिखा और वो वर्क जो है वो पी बी सैली को ही डेडिकेटेड है पॉलाइन जो है अच्छा इनका फेमस फ्रेज है गॉड्स इन इज हेवन ऑल इज राइट इन द वर्ल्ड ये पीपा पासिस नाम का वर्क है इसके कॉन्टेक्स्ट में थॉमस हार्डी ने लिखा कि गॉड इज नॉट इन द इन इन हिज हेवन ऑल इज रोंग विद दर्ल्ड ये वर्क जो है टॉमस आर डी का नाम है द टेस्ट ऑफ द डी अरबर विल्स देखो रिंग एंड बुक भी एटीन सिक्सटी एट में इनके द्वारा लिखा गया ये वर्स नॉवल है रोमन मर्डर ट्रायल पर आधारित है सिक्सटीन नाइनटी एट की कहानी है और ये लिखा गया है एटीन सिक्सटी एट में तो करीब दो सौ साल बाद लिखा गया है तो ना ये अपने ए, वर्क द लास्ट ट्राइड टुगेदर के लिए फेमस है जिसमें कि फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स व्हाई ऑल मेन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड फेल आई अलोन इन वर्ड्स वर्ड्स का मतलब होता है प्रॉमिसिस में डीड्स यानी एक्शंस के अंदर फिर भी लोग मैन प्रयास करते हैं और सक्सेस कौन होता है यानी कोई ना हु सक्सीड्स तो एवरीवन नॉट सक्सीड बट सम पीपल सक्सीड्स ना सम सक्सीड्स फेमस लॉस लीडर का कोटेशन है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। अब देखो पैरा सेल्सस 1835 में इनकी एक पॉइंट Book, है रिंग एंड द बुक 12 बुक्स हैं इसमें और 20 uh, 1000 थाउजेंड लाइन्स इसके अंदर हैं और ये जो है 1868 का है ना 1868 का है वो बाद में मैंने पहले बता दिया था 1868 का है और ये रोमन मर्डर ट्रायल पर आधारित है रोमन मर्डर 1668 पे बेस्ड है ना स्ट्राफोर्ड एक प्ले है जिसको ब्राउनिंग ने मैक रेडी एक एक्टर एक एक है उनके लिए लिखा वन मोर वर्ड इनकी वाइफ के लिए डेडिकेटेड है रस्किन इनके बारे में लिखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग इज अन इन एवरी सेंटेंस ही राइट्स ऑफ द मिडिल एजेस सॉर जो है उसके बारे में कहा कि इसकी पहली लाइन किसी को समझ में नहीं आती एट द एज ऑफ़ सिक्सटीन ये यूनिवर्सिटी कॉलेज गए लेकिन डिसटिस्फाइड रहे और छोड़ दिया कॉलेज इन्होंने एटीन में ये पी बी सैली से मिलकर अपना पहला वर्क पोलाइन पब्लिश करते हैं एटीन थर्टी थ्री में और ये कहते हैं कि ये पॉली के जो पी बी सैली के लिए डेडिकेटेड थी और उसी जो थीम है उस पर सैलियन uh, फेवर में इसको लिखा है Pollen is considered to be dedicated to P.B. Shelley and his works. Pollen is followed by Paracelsus 1835, a dramatic poem based on the life of Swiss physician. और इसके 1833 के बाद 1835 में इन्होंने ये वर्क लिख दिया और आधारित है The Life of Swiss Physician पे. Stafford जो इन्होंने किसके लिए लिखा? Actor Macready के लिए. Sordello long poem में heroic couplet appeared 1840. 1841 से 46 इन्होंने एक सीरीज चलाई पोइम्स की नाम है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स और प्ले ड्रामेटिक मोनोलॉग्स और लिरिक्स इसके अंदर थे 46 से लेके 61 में इन्होंने क्रिसमस ईव नाम से जो है वो वर्क लिखा और 1855 में इन्होंने क्या लिखा मेन एंड विमेन चलो आगे देखो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 1868 ये कहां आ गए लंदन आ गए वापस इटली से फ्लोरेंस से ऑस्लैंडो इनके

जो सारे रेट्स को आउट ऑफ द टाउन लेके जाता है उसको जब वो एक्सपेक्टेड मनी नहीं मिलता है तो वो वो सारे बच्चों को वहाँ से चुरा के और एक केव में बंद कर देता है तीन बच्चे निकलते हैं एक लंगड़ा है एक बहरा है और एक कैसा है अंधा है फ्र लिपोलिपि और एंड्रिया डेल आर्टो आर्ट और पेंटिंग के बारे में है जो फ्र लिपोलिपी की थीम जो है वो चर्च के इन्फ्लुएंस को बताया गया है आर्ट के ऊपर फ्रा का मतलब ब्रदर होता है और लिपोलिपी क्या है प्रोटोकोनिस्ट है और एंटीड सार्टो के अंदर जो है वो तीन लोगों से प्रभावित है ये राफेल लियोनार्डो और ओपनिंग लाइन जो है रेबी बेन एजरा की क्या है ग्रो ओल्ड अलोंग मी द बेस्ट इज टू कम अब हम इनके मेजर वर्क्स की चर्चा जो है वो हम लोग करने वाले हैं सारी चीज को एक एक करके हम देख रहे हैं देखो आ, पहला वर्क 1833 में आता है ठीक है जिसका नाम क्या है पोलाइन पूरा नाम देखें तो है फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन है ना ये इसका सब इसके जस्ट बाद में आया 1835 में पेरासेल्सस इसके बाद एक्स्ट्रा फोर्ड आया ट्रेजडी है ये ना क्या है ट्रेजडी ये क्या है ट्रेजडी है इनके द्वारा लिखी गई चलो और सॉर्डेलो जो है अलोंग पॉइम है बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स नंबर फर्स्ट अब देखो पहला जो फर्स्ट है उसमें तो है पीपा पासिस 1841 में ये प्ले है जिसकी वो लाइन अभी बड़ी फेमस मैंने बताई आपको उसके बाद जो सेकंड है किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स ये भी प्ले है 1842 में और उसके बाद इसका जो थर्ड वर्जन है किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स ये भी प्ले है एटीन में वेल्स एंड प्रोमिग्रेन नंबर फोर्थ नंबर जो है द रिटर्न ऑफ द ड्रूसिस ये भी प्ले है 1843 में इसके बाद फिफ्थ नंबर जो है अ ब्लॉट इन इस कट चियोन प्ले है 1843 में और नंबर सिक्स जो है कॉलम कॉलम्स प्ले है 1844 में इसके अलावा सेवेंथ नंबर का ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स 1845 में है उसके बाद नंबर एट पे है लूरिया एंड आ सोल्स ट्रेजडी ये भी प्ले है 1846 में इसके बाद इनका नेक्स्ट कलेक्शन जो है मैन एंड वीमेन 1855 में खूब सारी पोइम्स हैं इसके अंदर इसके अलावा ड्रामेटिक परसोने 1864 में द रिंग एंड द बुक 1868 से लेके 69 माय माई लास्ट डचेज ये क्या है ड्रामेटिक लिरिक पॉइम है 1842 में और प्रोफेरियार्स लवर 1842 में ये भी पॉइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं दोनों ही द लॉस्ट लीडर द लॉस्ट लीडर जो है वो ड्रामेटिक रोमांस है 1845 में इसके बाद द लेबोरेटरी 1845 फोर्टी फाइव ड्रामेटिक रोमांस है कैलिबन अपॉन एस्टेबोस ड्रामेटिक परसोने हैं 1864 में रेबी बेनजरा ड्रामेटिक परसोने हैं 1864 में मैन एंड वीमेन इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंस पब्लिश्ड इन 1855 कंटेनिंग फ्रा लिपोलिपी एंड द लास्ट राइट टुगेदर

और ये इसकी लाइन बड़ी फेमस है जो पहले भी मैं बता चुका हूँ गॉड इज इन हेवन गॉड इज इन हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड और प्रोटोकोस्ट ऑफ पीपा पास इज सिल्क विंडर है ना सिल्क विंडर है एंड्रिया डेल सार्टो ऑल्सो कॉल्ड द फॉल्टलेस पेंटर इट इज अ पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग पब्लिश्ड इन हिज 1855 पोएट्री कलेक्शन मेन एंड विमेन

1833 में पैरासेल्सस हो गया 1835 में स्ट्राफोर्ड हो गया ट्रेजडी है 1837 में सोर्डेलो अलोंग पॉइंट बेल्स एंड ये इसके देखो पहला आया इसका फर्स्ट वर्जन पीपा पासिस को लेके 1841 में सेकंड आया किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स को लेके 1842 में थर्ड आया किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स प्ले 1842 में और फोर्थ जो है रिटर्न ऑफ ड्रेसिस दो बार हो गए क्या रिटर्न ऑफ दूसिस एटीन फोर्टी थ्री में फिफ्थ आया ब्लॉट इन दूट चीय प्ले एटीन फोर्टी थ्री में फोर्थ आया कॉलम्स बर्थडेटीन फोर्टी फोर में सेवंथ आया ड्रामेटिक रोमांजन लिरिक एटीन फोर्टी फाइव में और एट आया लूरिया एंड सोल्स ट्रेजडी एटीन फोर्टी सिक्स में उसके बाद मैन एंड एटीन फिफ्टी फाइव में ड्रामेटिकसोन एटीन सिक्सटी फोर में ये भी कलेक्शन ही है ना द रिंग एंड द बुक एटीन सिक्सटी एट टू सिक्स नाइन के अंदर माई लास्ट डटीन फोर्टी टू में प्रोफेरियार्स लवर एटीन फोर्टी टू में द लॉस्ट लीडर ड्रामेटिक रोमांस एटीन फोर्टी फाइव में द लेबोरेटरी एटीन फोर्टी फाइव कलेक्शन का नाम है ना ड्रामेटिक uh, रोमांस uh, uh, कैलिबन अपॉन

और एंड्रिया डेल सार्टो जो है इसको क्या कहते हैं फॉल्टलेस पेंटर रॉबर्ट ब्राउनिंग एटीन फिफ्टी फाइव के अंदर मैन एंड विमेन कलेक्शन में थी ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोइट्री फॉर्म में है और ये इटालियन पेंटर एंड्रिया डेल सार्टो के बारे में तीन लोगों से प्रभावित है जिसमें राफेल था uh, और दिनसी लियोनार्डो द और एक और बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले और अलाइट वमेन जो है ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग में है एटीन फिफ्टी फाइव का जो कलेक्शन था मैन इन वीमेन उसी के अंदर इस ये गिवन था और ये काफी इसमें फिफ्टी वन पॉइंट है आपकी टोटल पहले बता चुका हूँ इसमें देखो राफेल लियनार्डो और फ्रा बर्टो मौ, मौ, आ, बर्टो वन मिनट का नाम था बर्टो लोमियो बर्टो लोमियो ये तीन व्यक्तियों से ये प्रभावित है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में जो मेजर मेजर जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट मैंने आपको यहाँ बता दी है है ना और बाकी इसके जो वर्क बाई एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अभी हमने कंप्लीट स्टडी किया है जो आपके एग्जाम में जैसे यू नेट के एग्जाम में जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं अगर आपके सिलेबस में कोई वर्क है पर्टिकुलर तो तो फिर उस पर्टिकुलर वर्क को स्टडी आप लोगों को करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जब हम सारे वर्क्स का स्टडी करेंगे तो उसमें मेजर मेजर चीज़ों को मैं इंक्लूड कर लूँगा जिससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ये सेशन आप लोगों के लिए इतना ही था आगे के सेशन में हम फिर इससे रिलेटेड और बात कर लेंगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच